हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की अपकमिंग मूवी सिंघम अगेन उनके कॉपी यूनिवर्स की 5वीं मूवी होने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी 500 करोड़ पार करे। वैसे मूवी का मुकाबला पुष्पा 2 के साथ है, पर अगर हम पुष्पा 2 को साइड में भी रखें तब भी रोहित के कॉपी यूनिवर्स में बनाई गई इस मूवी का परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क ही होना चाहिए। वैसे भी रोहित पर रीमेक्स बनाने का ठप्पा लग चुका है, तो ऐसे में ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए उन्हें ओरिजिनल धमाका करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंघम अगेन फेल हो गई तो लगता नहीं रोहित को आगे मूवी बनाने का कोई स्कोप बचेगा, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही एक्सप्लोर होते हैं। जब एक मूवी ब्लॉकबस्टर होती है, ऑडियंस को इम्प्रेस करती है, अच्छा कॉन्टेंट देती है, तभी उसका अगला पार्ट बनाने का फायदा होता है, और इस मामले में रोहित थोड़े पीछे रहे हैं। अगर वो अपने आजू बाजू देखें तो इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ कॉप यूनिवर्स ही नहीं बल्कि ऐसे 7 यूनिवर्सेस हैं जो कॉप यूनिवर्स से भी आगे हैं। वैसे कॉप यूनिवर्स की पहली मूवी सिंघम आई थी 2011 में। फिर आता है स्पाई यूनिवर्स, जिसकी पहली मूवी 2012 में एक था टाइगर, वहां से ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। उसके बाद है प्रशांत नील का KGF यूनिवर्स, जिसकी पहली मूवी रिलीज हुई 2018 में, जिसने 1000 करोड़ कमाए और इस गैंगस्टर ड्रामा ने लैंडमार्क सेट किया। फिर है लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स, यानी तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज का यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत 2022 की विक्रम मूवी से हुई और अभी लियो इसकी आखिरी मूवी है। इस यूनिवर्स ने कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए और बॉक्स ऑफिस पर तहलका भी मचाया। फिर है आयान मुखर्जी का अस्त्रवर्स, जिसकी पहली मूवी ब्रह्मास्त्र ने एक कंटेंट और VFX की दुनिया में अपना नाम लिख दिया और अब इसका सेकंड पार्ट भी चर्चा में है। अलग अलग थ्योरीज बनाई जा रही है। नेक्स्ट इज दिनेश विजांस का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जो घोस्ट वैम्पायर से सजा हुआ है। इस यूनिवर्स में 2018 की पहली मूवी बनाई गई स्त्री, उसके बाद रूही, फिर भेड़िया और अब इसके सीक्वल्स भी आएंगे। फिर प्रशांत वर्मा का तेलुगु सुपर हीरो यूनिवर्स, जिसकी पहली मूवी 2023 की हनुमान की ट्रेलर ने ही इम्प्रेस कर दिया। और फिर आता है हिट यूनिवर्स, जिसकी पहली मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और उसके सक्सेस के बाद 2022 में इसका सीक्वल भी आया। रोहित के कॉप यूनिवर्स के बाद इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स का ये सेकेंड कॉप यूनिवर्स कहलाया जाने लगा। अब इन सब में स्पाई यूनिवर्स और MCU की चर्चा में है, नॉट अ कॉप यूनिवर्स। और इन सारे यूनिवर्सेस में अगर साल को देखोगे तो कॉप यूनिवर्स में बनी सिंघम 2011 में आई, यानी रोहित का यूनिवर्स सब में सीनियर है, पर सीनियर होने से कुछ नहीं होगा। बाकी जो यूनिवर्सेस हैं उनकी फिल्मों ने ऑडियंस को बोले तो एकदम पैसा वसूल परफॉर्मेंस एंटरटेनमेंट दी, जिसकी वजह से ऑडियंस क्रेजी होती है। खैर अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो सिंघम अगेन को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।